दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं चिकन पकोड़ा। चिकन पकोड़ा बनाने के लिए मैंने आधा के जी चिकन लिया है। चिकन को मैंने इसी तरीके से पीस करके इसको धो ली हूँ। अब मैं इसमें लगाऊंगी मसाले, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच जीरा धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और नमक स्वाद के अनुसार। और दोस्तों चिकन पकोड़े में चिकन का स्मेल ना आए इसलिए मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच दही। दोस्तों अब हम इन सारे चीज़ों को मिला लेंगे। और इसे 1/2 घंटे के लिए ढक के छोड़ देंगे। दोस्तों 1/2 घंटा हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा कसूरी मेथी और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। अब हम इसको मिला लेंगे। हमने इसको अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसको गरम तेल में फ्राई करेंगे। और अगर दोस्तों मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। दोस्तों तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन। दोस्तों चिकन पकोड़ा बनके है तैयार। अब मैं इसे निकालने जा रही हूँ। दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। देखो दोस्तों कितनी यम्मी यम्मी चिकन पकोड़ा बनके तैयार हो चुका है। दोस्तों आज का मेरा रेसिपी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में बहुत बहुत शेयर करना। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।